पुडिंग अगर बिना अंडे का हो और बिल्कुल इजीली मिलने वाले कुछ इंग्रेडिएंट्स से बन जाता हो तो मज़ा ही आ जाता है। आज मैं सिर्फ चार बहुत ही इजीली मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स से ये पुडिंग बनाऊंगी और सारे ट्रिक्स और टिप्स शेयर करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम फूड एंड केयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पुडिंग बनाने के लिए देखिए, यहाँ पे मैंने आधा लीटर दूध लिया है, ये फुल क्रीम मिल्क है। अभी दूध में एक उबाल आने देते हैं। दूध में जितने में उबाल आ रहा है उतने में हम यहाँ पर देखिए आधा कप दूध लिया है, ये रूम टेम्परेचर का दूध है। और इसमें हम मिलाएंगे अभी कस्टर्ड पाउडर, तो दो बड़ा चम्मच में कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ। और कस्टर्ड पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके बदले में कॉर्न फ्लोर और थोड़ा सा वेनिला एसेंस ले सकते हो। अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब देखिए दूध में उबाल आ चुका है। अब इसमें हम दो बड़ा चम्मच सूजी मिलाएंगे। सूजी हर घर में होता है, बहुत इजीली मिल जाता है। सूजी मिला के अब हम साथ में आधा कप शुगर मिलाएंगे, मतलब चीनी। मीठा आप अपने पसंद अनुसार कम ज्यादा कर सकते हो। अब देखिए चीनी जैसे अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम मिलाएंगे हमारे जो कस्टर्ड मिक्स है वो मिक्स मिलाएंगे। और इस मिक्सचर को अभी हमें कंटिन्यूअसली स्टेयर करना होगा, मतलब कंटिन्यूअसली चम्मच को चलाना होगा, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर डालते ही दूध का जो थिकनेस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो इसलिए हमें इसे कंटिन्यूस चलाना होगा। तो थोड़ा सा एक चुटकी नमक इसमें डाल देंगे, हर मीठे चीज़ में थोड़ा सा नमक अच्छा लगता है। अब देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे गाढ़ा कर लेना होगा, इसका कंसिस्टेंसी हमें थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए। तो ये देखिए आप देख सकते हो ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, ऐसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, ये आप देख सकते हो। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पे कढ़ाई में फिर से मैंने एक स्टैंड लगा दिया है और दो ग्लास इसमें पानी डाल देंगे। और पानी को अब हम हाई फ्लेम पर ढक के उबाल आने देंगे पानी में। ये हम स्टीमर रेडी कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कांच का एक बाउल लिया है मैंने और इसमें थोड़ा सा घी ग्रीस कर देंगे नीचे। आप कांच के बदले में स्टील का या फिर एल्यूमिनियम का बाउल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें ये जो मिक्सचर है दूध और सूजी का, इसे डाल देंगे और इसे अब हम फॉइल पेपर से कवर कर देंगे। आपके पास कोई भी लीड हो उससे भी आप इसे कवर कर सकते हो ताकि पानी अंदर ना जा पाए, क्योंकि हम इसे स्टीमर में डालने वाले हैं। तो ये देखिए पानी भी उबल चुका है, स्टीमर भी रेडी है। अब इसे स्टैंड के ऊपर बहुत ध्यान से रखना होगा ताकि हाथों में गर्म ना लगे। और 30 मिनट तक अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर स्टीम होने देंगे। ये देखिए 30 मिनट हो चुका है और ये हमारे स्टीम हो चुके हैं अच्छे से। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे और जैसे ही ठंडा हो जाए तब हम इसे फ्रीज में रख देंगे 5 घंटे के लिए। फ्रीज में रखने से पहले इसे हमें इस्तेमाल नहीं करना है, ये रेडी नहीं होगा, इसे फ्रीज करना बहुत जरूरी है। तो देखिए अब हम यहाँ पे आधा कप शक्कर डाल देंगे पैन में और इसे हम कैरामेल करेंगे। तो इसे अभी बिल्कुल भी छूना नहीं है, लो फ्लेम पे इसे गलने देते हैं। देखिए करीबन ये मेल्ट हो चुका है। अब इसे कंटिन्यूस स्टर करेंगे और एक गोल्डन कलर आने देंगे। इसे जलाना नहीं है तो हल्का लाइट गोल्डन कलर आने तक इसे हमें स्टर करना होगा। अब देखिए ये जो हमारे पुडिंग है ये बिल्कुल तैयार है, बहुत ही जेलिशियस बना है ये, मतलब जेली टाइप बना है और बिल्कुल परफेक्टली ये जम गया है, आप देख सकते हो फ्रीजिंग करने से। अब ऊपर से हम ये कैरामेल डाल देंगे। कैरामेल डालते ही ये कैरामेल हार्ड हो जाएगा, क्योंकि ये शक्कर का कैरामेल है तो चिल्ड पुडिंग के टच में आते ही ये हार्ड बन जाता है, लेकिन ये बाद में बिल्कुल गल के लिक्विड हो जाएगा। कितना ज़्यादा माउथ वाटरिंग लग रहा है आप देख सकते हो, ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। अब इसे मैं निकाल के दिखाती हूँ प्लेट पे। बहुत ध्यान से इसे प्लेट पे हम पलट देंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले घंटी को बजा देना ताकि मेरे नए नए रेसिपीज का अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। तो ये देखिए हमारी ये जो पुडिंग है बिल्कुल तैयार है। इसका लुक देखिए कितना सुंदर है और ये लग रहा है ना बिल्कुल डेलिशियस माउथ वाटरिंग।
पुडिंग के इस लुक के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है और कमेंट पे मुझे जरूर बताना आप पुडिंग कैसे बनाते हो। और आप देख सकते हो ये कैसे जेली की तरह लग रहा है, मैं काट कर दिखाती हूँ। हमारे कैरामेल जो है वो अभी तक गला नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कैरामेल पिघल जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारे सूजी से बनी हेल्दी पुडिंग बिल्कुल तैयार है। बहुत ही आसान कुछ इंग्रेडिएंट से ये बन जाता है, आप कभी भी इसे बना सकते हो। बहुत इजी प्रोसेस है और हेल्दी भी है, क्योंकि ये सूजी से बनी है। बच्चों को बना के खिलाइए, वो बहुत पसंद करेंगे। तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।